हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं मैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है ये, पता है आपको। अगर आप इसके पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपको मालूम भी होगा शेयर का कि टारगेट क्या होने वाले हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आपको धमाकेदार रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन कब तक मिलेगा, क्या ये प्राइस इन्वेस्टर के लिए सही है या नहीं, क्योंकि शेयर ने लगभग 1 से 2 महीने में निकाल दिए हैं लगभग इसी प्राइस पे। ये शेयर सब इसका हाई था 61 के आसपास का और लो था 48 के आसपास का, मतलब इन दो नंबर के बीच बीच में शेयर ने लगभग 2 से 3 मंथ निकाल दिए। तो क्या करना चाहिए, क्या एक्सपर्ट की राय है, सारी बातें इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलूँगा यहाँ पर क्लियरली कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। फिलहाल मार्केट में 56 के आसपास की प्राइस चल रही करंट है। अगर मैं आज की बात करूँगा, आज माइनस में 230 पैसे के आसपास शेयर गिरावट में देखने को मिल रहा है। ये गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 डे में अगर मैं बात करूँगा तो माइनस शेयर काफ़ी डाउन गया था 20 दिसंबर 21 दिसंबर के आसपास, लगभग 55 के आसपास आ गया था। लेकिन आपका लॉस तो रिकवर करवा रहा है स्टॉक, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको समय लगेगा यहाँ पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वेट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इसका आए दिन आपको पता होगा 58, 62, 63 के आसपास आए दिन इसकी प्राइस जाती रहती है। तो ये बात के लिए आप भूल जाओ कि शेयर दोस्तों नीचे आएगा। शेयर आपको रिटर्न भी देगा, काफ़ी तगड़ा रिटर्न दे रहा है यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर इस प्राइस पर इन्वेस्ट करना है आपको तो शॉर्ट टर्म के लिए टिकना होगा मार्केट में आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको शॉर्ट टर्म के लिए टिकना होगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप तो भी आपको अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है यहाँ पे शेयर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी लोग ऐसे भी जो 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा अगर इस प्राइस पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वेट करना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत समय वेट करते हो तो 55, 44, 54 के आसपास मार्केट में आता है स्टॉक, तो आप इस प्राइस पे लॉन्ग टर्म नज़र से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें मार्केट में काफ़ी हाई शेयर है, ये शेयर की प्राइस काफ़ी हाई है। अभी फिलहाल अपने 50 रुपये के स्तर के आसपास चल रही है मार्केट में, मतलब 63 के आसपास का हाई है और 56 के आसपास मार्केट प्राइस चल रही है करंट इसकी। तो हो सकता है जहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये कि आपको आए दिन आपको अच्छा टाइम देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन वेट करना होगा, समय अगर आप समय है तो आप इस स्टॉक को दो,